नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, आज आनंद आ जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि सुपर फास्ट दूंगा। और बता दूं ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप ही ने कहा था कल सर ये ऐसी क्लास रोजाना लेके आइएगा। तो दोस्तों, आज भी अपन 10 मिनट में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। उम्मीद है आप इस क्लास के अंत तक बने रह के फायदा उठाएंगे, बड़ी शानदार क्लास होगी। पटवार, रीट, वनरक्षक और पीटीटी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो भारत में प्रथम क्या है, सर्वाधिक क्या है, एकमात्र क्या है, वो सारा कुछ मैटर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है भैया? तमिलनाडु, केरल, असम या पंजाब? आपने कहा सर ये तो तमिलनाडु होगा पोंगल, जो कि सर आपने कल ही बताया था। दोस्तों, ये असम का एक बिहू नामक जो है, बिहू नामक जो ये त्यौहार है असम का है, और पंजाब का लोहड़ी नामक त्यौहार है, पता है आप सभी को? हाँ सर पता है। चलो साहब, अगला क्वेश्चन है नंबर दो, करवा चौथ मुख्यतः कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों, करवा चौथ जो है ना मुख्यतः कहाँ पर मनाई जाती है? करवा चौथ कौन मनाते हैं? पति की लंबी आयु के लिए पत्नी हम मनाती है। अच्छा दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उत्तर भारत। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो राजस्थान। ठीक है साहब, ओके सर। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कहां पर भरा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कुंभ मेला कहां पर भरा जाता है? तो देखिएगा, कुंभ मेला कहां पर भरता है? प्रयाग, यूपी, उज्जैन, एमपी। देखिए बिल्कुल यहां पे भरता है, प्रयाग में भरता है, उज्जैन में भी भरता है, हरिद्वार में भी भरता है, नासिक में भी भरता है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर जो पशु मेला है ना, कौन से राज्य में आयोजित होता है? ये सोनपुर जो पशु मेला है ना, सोनपुर है, सोमपुर नहीं, सोनपुर है। ठीक है, तो ये अपने बिहार में दोस्तों होता है। और एक बाघ मेला जो होता है ना, ये बाघ मेला ये अपना होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पर है? ये अपने यूपी में भैया। लेकिन सोनपुर पशु मेला ए ऑप्शन लॉक होगा। कंस मेला कौन सी जगह पर आयोजित होता है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। कंस मेला कहाँ पर आयोजित होता है? आपने कहा सर उज्जैन नहीं होगा, नगरी नहीं होगा, मथुरा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके साहब, बिल्कुल जल्दी से जवाब देना है। अगले क्वेश्चन का, बाबा गरीबनाथ का मेला किस राज्य में आयोजित होता है? जल्दी बताइए, बाबा जो गरीबनाथ है इनका मेला प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, और कहाँ पर आयोजित होता है, कौन से स्टेट में आयोजित होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शाहजहाँपुर में आयोजित होता है। अच्छा, ये शाहजहाँपुर कहाँ पर है? आपने कहा सर ये शाहजहाँपुर जो है ना ये एमपी में है। ओके सर, अगला क्वेश्चन बताइए। ये लो साहब, अगला है, मांडना लोक कला कौन से राज्य की प्रसिद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांडना लोक कला कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। आपने कहा सर इसमें तो राजस्थान ही होगा, मांडना जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ऐपन और गोदना कौन से राज्य की लोक जो है कला है? मेरे दोस्त ये गोदना है, एक ऐपन है, ये कौन से राज्य की है? तो ये अपने बिहार की है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों, घोड़ी नाच वे सांग है, गोडो वे टपाड़ी है, चारवा वे जद्दा है, डांगी वे चंबा है। तो ध्यान दे देना, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य जो है ना वो घोड़ी नाच है और सांग है, तो अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाए। गोडो और टप्पाड़ी तो एमपी के मेरे दोस्त, गोडो और टप्पाड़ी कहाँ के? एमपी के हैं। और चारबा, जद्दा, डांगी, चंबा मैंने आपको पहले भी बता रखा ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संचार और छाऊ, पैका व सवारी किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपने कहा सर आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि असम भी होगा, ये होगा ओडिशा दोस्तों, बी ऑप्शन। संचार, चाऊ, पैका, सवारी, ये सारे लोक नृत्य ओडिशा के। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहां से लोक नृत्य खत्म होते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो असत्य क्या है दोस्तों? असत्य इनमें से राज्य देर का है, राजस्थान का घूमर प्रसिद्ध है, झारखंड का घूमकोड़िया सही है, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे अपना कर्नाटक का भूतकोला सही है, उत्तर प्रदेश का मर्दाला नहीं है। ये मर्दाला जो है ना, ये मर्दाला तो आंध्र प्रदेश का है मेरे दोस्तों, मर्दाला कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखना डी ऑप्शन। शंकरिया पणियारी ख्याल किस राज्य के लोकगीत है? शंकरिया पणियारी ख्याल जो कौन से राज्य के लोकगीत है दोस्तों? और ख्याल वैसे हालांकि अलग होती है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, जैसे नेजा, गैर, मतलब बहुत सारे कथक वगैरह, इंडोनिया, चंग, ढप, कालबेलिया, सब कुछ अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर है कि भाई जात्रा कीर्तन बाउल जया, जात्रा कीर्तन बाउल जया किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों ये लोक नृत्यों से संबंधित अपना
दो क्वेश्चन और आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, बस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा ना, पश्चिम बंगाल हो जाएगा बिल्कुल। और जात्रा कीर्तन बाउल जय, ये पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्यों का शास्त्र नृत्य है, भरतनाट्यम किस राज्यों का शास्त्र नृत्य है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु व कर्नाटक हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम जो है ना ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों मैंने आपको बताया भरतनाट्यम तमिलनाडु और कर्नाटक का है, और मोहिनी अट्टम जो है ये अपने केरल का है। कहाँ का है, केरल का है सर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बंगाल विभाजन कब होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट है, बंगाल विभाजन कब होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल सर ये 1905 हो जाएगा, हो जाएगा साहब, ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। बंगाल विभाजन जो है ना कब होता है, ये 1905 में होता है, और वहीं ये 1906 में क्या होता है, ये मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों अब बस 5 मिनट और लूंगा है ना, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, बुध शुक्र वरुण बृहस्पति। सबको बताए कि आजकल क्लास सुपर फास्ट हो रही है तो टाइम पे जुड़ा करो, जो भी लास्ट में जुड़े हैं ना। तो 16-17 क्वेश्चन हो गए 5 मिनट में, चले तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर वाला बुध है, और अगर देखा जाए दोस्तों सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सबसे अगर ठंडे की बात करें तो वरुण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र या फिर वरुण या बृहस्पति या फिर जो है अपना शनि होगा। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट की बात करें तो शुक्र जो कि सबसे निकट है, और सबसे दूर जो कि कौन सा है, वरुण है। वरुण को नज़दीक होना चाहिए था लेकिन दूर है, ठीक है। और सर्वाधिक भारी और सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं साथ साथ एडवांस भी बता रहा हूँ, महात्मा गांधी का उपनाम क्या है मेरे दोस्त, ये बताइए। महात्मा गांधी का उपनाम, इन्हें युग पुरुष भी कहते हैं, इन्हें बापू भी कहते हैं, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर अपना डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, हर भाई हर बहन का। नंबर 20 क्वेश्चन है, महामना किसका उपनाम है मेरे दोस्तों, ये बताइए। महामना किसका उपनाम है, आपने कहा सर ये महामना जो है ना ये लाला लाजपत राय, नहीं साहब लास्ट का होगा ये मदन मोहन मालवीय। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, हॉकी का जादूगर किन्हें कहते हैं। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे, पीटी उषा नहीं होगा ये उड़न पर ही है ना। दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जगजीवन राम को क्या कहते हैं, बाबूजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर प्रमुख वादक है किसके, पंडित जो रविशंकर जी है ना प्रमुख वादक है किसके, बोले सर ये सितार के वादक हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है। देखिए दोस्तों पंडित रविशंकर प्रमुख वादक है सितार के, प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो है वो है अपने हुसैन नहीं होगा, पंडित शिव कुमार नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रसिद्ध हरिप्रसाद सौरसिया जी हो जाएंगे। और संतूर वादक कौन है मेरे दोस्तों, संतूर वादक शिव कुमार है। ये कौन है शिव कुमार, ये संतूर वादक है, ध्यान दे देना, ठीक है। और ये जाकिर हुसैन जो है ये तो तबला वादक है भैया जी, तबला वादक है, ये शहनाई वादक है मेरे दोस्तों, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही नहीं है, जल्दी बताइए, निम्न में से सही नहीं है। तो निम्न में से जो सही नहीं है ना, देश रत्न डॉक्टर प्रसाद को कहते हैं, बिल्कुल ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई को कहते हैं, देश बंधु भगत सिंह को नहीं कहते, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहते हैं। तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं, सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज किसका वचन है दोस्तों, जल्दी बताइए, 9 मिनट हो गए क्या। पूर्ण स्वराज किसका वचन है दोस्तों, जल्दी बताइए। पूर्ण स्वराज जो है ना ये जवाहरलाल नेहरू जी का वचन है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का है। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा ये अपने सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विजय विश्व तिरंगा प्यारा
ये नारा जो है ना ये किसका है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्त का, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्याम लाल, ठीक है। और वैसे करो या मरो का नारा किसका है, गांधी जी का है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्वराज हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी को देखा जाए तो वंदे मातरम इनके द्वारा गाया गया। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए, भारतीय नौसेना दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। मैंने आज दोस्तों आपको 10 मिनट में सही बताऊं ना तो 60 से 70 क्वेश्चन बताए आज, 60 से 70 क्या, हर एक क्वेश्चन का अगर पूछूं तो 70-80 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप एक एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख लेना एक बार, है ना। क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी क्लास में से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। तो यहाँ पे 4 दिसंबर हो जाएगा दोस्तों, 3 दिसंबर को, सॉरी 3 दिसंबर नहीं है क्या ऑप्शन में, चलो नहीं है ना, फिर भी आप ध्यान रखना, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना बी हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, ये बताना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। 27 सितंबर मतलब ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है इसी क्लास में, जल्दी बताइए। प्यासी भूमि का देश, बिल्कुल सर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलो साहब, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने लिखा है ना तो उम्मीद है हर एक क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए ही होंगे। तो 3 × 29 करते हैं तो मैं आप कहता हूँ 70 से 80 क्वेश्चन आपके ज़रूर बने होंगे आज की 10 मिनट की वीडियो में, क्लास में। इसका जवाब आपको बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में देना है। मोतियों का द्वीप किससे कहा जाता है, जिन भी भाई बहनों को नहीं पता बताना है आपको कैसे भी करके, ठीक है। बस मैं नहीं जानता कि आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद है दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी, लेकिन आपके कहने के बावजूद मैं ये क्लास लेकर आ रहा हूँ। कल से भी सुपर फास्ट दिए मैंने, है ना, कल से भी सुपर फास्ट दिए और बहुत ही शानदार है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हैं और लिखते हैं और अच्छे से मतलब कि याद करते हैं। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है और वेबसाइट पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो उसको भी आप जरूर देखें, है ना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। धन्यवाद।